भिंड में जनाक्रोश सभा में आए कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोदी पर निशाना साधा। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भिंड शहर के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा में कांग्रेस विधायकों के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस के कद्दावर नेता एक मंच पर दिखाई दिए। मंच पर प्रदेश व जिले के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री एवं लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और राकेश चौधरी, हेमंत कटारे, कांग्रेस मेवाराम जाटव के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता मौजूद थे। इस मौके पर एक दूसरे आतंकी के विरोध रखने वाले इन नेताओं ने लोगों को एक मंच पर पहुंचकर भिंड जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। भाजपा की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जिले भर से हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की भीड़ कॉलेज में इकट्ठी हुई। यहां पर मंच से संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा कि ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जनता से छलावा कर रहा है। उसने प्रशासन की मदद से हमारे भिंड को मिलने वाली सौगातें ग्वालियर के सिंधिया घराने में गिरवी रखवा कर भिंड की जनता से छल किया है। वहीं मंच पर हेमंत कटारे ने भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि भिंड में हमारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ, उन्हें परीक्षा से वंचित कर उनका भविष्य खराब करने का घृणित कार्य किया है। भिंड के किसानों को कभी समय पर खाद नहीं मिली, उनकी शिवराज सरकार ने कमर तोड़ दी है। अंत में मंच से भिंड की जनता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि भाजपा का भारत का संविधान खतरे में है और भारत का अच्छा संविधान गलत हाथों में पहुंचकर बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम जनता को ये सोचना होगा कि हम मोदी के रास्ते पर चलकर उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। उन्होंने भिंड की जनता से आग्रह किया कि आप सभी लोग कांग्रेस का साथ दें। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को काबिज करवाने में मदद करें और भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये से जनता के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय का बदला लें। राकेश चौधरी 60 साल की उम्र में आपसे कह रहा है किसी को भी कांग्रेस टिकट देगी, मैं उसका पूरा समर्थन करूंगा। और आपसे भी प्रतिबद्धता लेना चाहता हूं, आपसे भी वादा कराना चाहता हूं कि 2-3 नारे के साथ लीजिए हाथ उठा के हम संकल्प ले, हाथ उठा के, हाथ उठाइए दोनों। अनेकता है, ये अनेकता है भारत की, और अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये इस संस्कृति हमें जोड़ के रखती है जो भारत की संस्कृति है। और आज इसी संस्कृति पर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है, हमारे देश की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। हमें चुनना पड़ेगा हम कौन सा रास्ता पे चलना चाहते हैं, देश की संस्कृति के रास्ते में चलना चाहते हैं या मोदी के रास्ते में चलना चाहते हैं। ये प्रश्न हमारे सामने है। बाबा साहब अंबेडकर ने चुनौती स्वीकार करी थी और अपने देश को संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में मशहूर है।